नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। बिशुनपुर प्रखंड के मजरा गांव की बेटी नीलम कुजूर एवं अंकुरी हरा टोली गांव के सुभाष अनुराग एक्का ने सातवें जेपीएससी में सफलता हासिल कर बिशुनपुर प्रखंड सहित पूरे जिला का नाम रोशन किया। मिली सफलता का श्रेय अपने पिता को देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता का सपना था कि वह पुलिस पदाधिकारी बने और उन्हीं के प्रेरणा से आज वह सातवें जेपीएससी पुलिस सेवा में सफलता हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि छठे जेपीएससी में भी सफलता मिली थी, परंतु उम्र कम होने के कारण चयन नहीं हो सका था, लेकिन भी वह हार नहीं माने। अपना निर्धारित लक्ष्य के लिए पढ़ाई जारी रखी और सातवीं जेपीएससी में सफलता हासिल की। मुझे पुलिस सर्विस अलॉट हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि मैं एक डीएसपी के तौर पे यहाँ के लोगों का जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करूं, साथ ही साथ जो लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ होती है या उनके साथ जो भी होता है, मैं लड़कियों और बच्चों के लिए भी विशेष तौर पर काम करना चाहती हूँ कि उन्हें उनके तरह मतलब उन्हें किसी तरह का कोई हरासमेंट ना हो। और इसमें आपको आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? मेरी सफलता का श्रेय मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी मेरे परिवार, साथ ही मेरे सभी गुरुजन अनिल सिंह, विशाल सिंह, डॉक्टर सुधीर कुमार राय और मेरे सभी दोस्तों को देना चाहती हूँ। साथ ही मुझे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं छठी जेपीएससी में चयनित राहुल उरांव को भी देना चाहती हूँ श्रेय, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित किया। आप अपने परिवार को किस प्रकार से? क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो शुरुआत से ही मुझे पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि स्कूल से यहाँ नहीं थे, तो इसकी वजह से हमेशा से मुझे बाहर हॉस्टल्स में रहना पड़ा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि पिताजी मेरे किसान हैं, इस वजह से थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी बुरा था, तो थोड़ा उससे भी मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ा, परंतु इनके सपोर्ट से मैं आज तक यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अभी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी कठिनाई से डरे नहीं, निरंतर परिश्रम करते रहें, क्योंकि सफलता के लिए परिश्रम सबसे ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ स्मार्ट स्टडी करें और खुद पे बहुत विश्वास रखें। आपका शुभ नाम क्या है? नीलम कुजूर। देखिए, हर माता पिता को बाल बच्चों का उपलब्धि पर स्वाभाविक है खुशी होना, और जहाँ तक बच्ची की सवाल है, हम लोग का जो भारतीय संस्कृति में भेदभाव रखते आ रहे हैं कि बच्चियों को ज़रा दूसरे नज़र से देखा जाता है और लड़कों को कुछ दूसरे नज़र से, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का भेदभाव ना रखें। बाल बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर अभिभावक को बिना भेदभाव से बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको उचित शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। मैं ही संदेश देना चाहता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को कि भविष्य में एक मेरी बच्ची की ही बात है, यहाँ की बच्चियाँ, क्षेत्र की बच्चियाँ आगे बढ़े, यही मैं शुभकामना देता हूँ। आपका शुभ नाम क्या? मेरा शुभ नाम बादेश्वर उरांव है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।